बड़ी खबर आ रही है जहां हथियारबंद लोगों ने मैक्सिकन सिटी हॉल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में मेयर समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। सरेआम फायरिंग में करीब 18 लोगों की मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 7 पुलिसकर्मी शामिल हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो चुके हैं। पुलिस अब छापेमारी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 18 लोगों की मौत इस फायरिंग में हुई है। तो मेयर के घर पर यह हमला किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जिन लोगों पर हमला किया गया उसमें मेयर भी शामिल है, हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही है ये अब तक साफ नहीं हो। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब जो सरेआम फायरिंग होती है इसमें 18 लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टाउन हॉल में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और इस फायरिंग में न सिर्फ मेयर बल्कि पूरे परिवार की उनके हत्या कर दी गई है। वहां से जुड़ी जो तस्वीरें मिल रही हैं वो भी आपके सामने। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला मैक्सिको। चंद सेकेंड में 18 की मौत, सामूहिक नरसंहार और गोली के लिए बदनाम अमेरिका में होने वाली वारदात अब उसके पड़ोसी देशों को भी परेशान करने लगी है। कुछ दिन पहले जहां कनाडा अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा था, तो अब मेक्सिको में मौत का उनी खेल खेला गया। मैक्सिकन सिटी हॉल में मौत का खेल। शूट आउट एट मैक्सिकन सिटी हॉल। गुरुवार को मैक्सिको के मैक्सिकन सिटी हॉल में सामूहिक गोलीबारी हुई। इसमें मेयर समेत 18 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी भी कई लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के बाद मैक्सिको में हड़कंप। मेयर और पूर्व मेयर की दिन दहाड़े हत्या। गोलीबारी में मेयर, मेयर के पिता, पूर्व मेयर और 7 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद मैक्सिकन सिटी में हड़कंप मच गया। हरकत में आई पुलिस ने हमले के बाद पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस इसे रणनीति बनाकर किया गया अपराध मान रही है। फायरिंग की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, जहां फोटो में दीवार पर सिर्फ गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। मैक्सिकन सिटी हॉल में मौत का खेल किस कदर खेला गया इसकी तस्दीक करने के लिए इस तस्वीर को देखिए, जहां दीवार पर 35 से ज्यादा राउंड की गोलियों के निशान हैं, खिड़की के कांच टूटे हुए हैं। अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। अब मैक्सिको में भी इस तरह की वारदात होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कोई सियासी रंजिश है या फिर ड्रग्स तस्करी के चलते इस गैंग वॉर को अंजाम दिया गया। वारदात के पीछे की असल वजह तलाशने की कोशिश में पुलिस लगी है।